हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज महिंद्रा एंड वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल दैट इज टेक सेंटर। आज के वीडियो में मैं आपको एक चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरे हिसाब से। एक सेकेंड, क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सर अभी हमारे लिए? आपका पढ़ाई, अभी मैं क्या करूँगा, एग्ज़ाम सिर पे है तो पढ़ के तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका हो गया रहेगा, करेक्ट है। अभी हम बात करने वाले हैं कि जो एग्ज़ाम में पेपर प्रेजेंट करते हैं वो प्रेजेंटेशन कैसे करनी चाहिए, स्पेशली इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैसे करनी चाहिए उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। डायरेक्ट टैक्स के साथ साथ जीएसटी, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री है, जीएसटी में इतना कुछ पंगा नहीं होता, पर डायरेक्ट टैक्स का प्रेजेंटेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, करेक्ट है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का लेंथ मैं 10-12 मिनट से ज़्यादा कोई हालत में नहीं रखूँगा। ये वीडियो 2-2.5 घंटे तक चल सकता है अगर इन डिटेल बात करें, पर मुझे पता है आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो ये वीडियो का लेंथ जितना कम हो सके, इसलिए मैं एक कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ना कि अपना प्रॉपर वो पढ़ाते टाइम रिकॉर्ड करते हैं वैसे, क्योंकि उसमें फिर लंबा खिंच जाएगा, लिखूँगा वगैरह, तो अभी वो नहीं करना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कैसे बढ़ने वाले हैं, आप 1-1.5 दिन का जो आपको टाइम मिलता है वो आपने पढ़ लिया है, मैं उम्मीद करता हूँ। अभी आप एग्जामिनेशन सेंटर की तरफ जा रहे हो, अभी आपको क्या करना है? दो सवाल उठते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं एग्ज़ाम से 2 घंटा पहले बुक छोड़ देनी चाहिए, ये सब कुछ बोलते हैं कि पढ़ते रहना चाहिए। मैं बोलता हूँ जो आपको सही लगता है, जो आपके लिए फेवरेबल है वो चीज़ करो। हर ह्यूमन माइंड अलग होता है। मैं तो एग्ज़ाम के 10 मिनट पहले तक पढ़ता था, पर्सनली बता रहा हूँ। उसका मेरे को फ़ायदा भी हुआ है, उसका मेरे को नुकसान भी हुआ है, तो उसके ऊपर नहीं जाएंगे। फ़ायदा ज़्यादा हुआ है, पर आपके ऊपर है आपको कब तक पढ़ना है। ये सजेस्टेड रहता है कि आपको जितना पोर्शन है वो पूरा कवर करके जाना चाहिए, करेक्ट है। तो ये हो गया, अभी आप एग्जामिनेशन सेंटर में बैठ चुके हो, 15 मिनट बाकी है। आपको क्या मिलता है? क्वेश्चन पेपर मिलता है। अभी क्वेश्चन पेपर में वो 15 मिनट में सबसे पहले आपको जो थियोरिटिकल पार्ट है, ये जो अपना इनकम टैक्स जीएसटी वाला पेपर हो, उसमें से एमसीक्यू भी आएंगे और ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट भी, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आएगा, करेक्ट है। तो मैं सब्जेक्टिव वाली बात कर रहा हूँ जिसमें क्वेश्चन आंसर्स वगैरह आएंगे, उसमें से कोई 3 क्वेश्चन ऐसे ढूंढ लेने हैं, लगभग आपको 30 मार्क्स का ऐसा चीज़ ढूंढ लेना है जो आप बहुत अच्छी तरीके से लिख सको, बहुत अच्छे तरीके से लिख सको, जिससे आप स्टार्ट कर सको। कोई ज़रूरी नहीं है सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन होने चाहिए, आपको सबसे पहले 30 मार्क्स ऐसा ढूंढ लेना है जो कि आप बहुत अच्छे से लिख सको। आपका यही काम होना चाहिए, वो जो भी 15 मिनट का टाइम होता है, 30 मार्क्स बहुत अच्छे से, और 1 क्वेश्चन आपको कौन सा छोड़ना है वो टाइम पर आपको पता चल जाना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है जब भी 3 घंटा चालू होगा पेपर देने का, वो टाइम पे आप सोच रहे हो कि मेरे को कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। अगर पेपर बहुत डिफिकल्ट है वो एक एक्सेप्शनल पार्ट है, पर जनरली आपको क्या करना है, ये पीरियड में 1 कौन सा क्वेश्चन मुझे नहीं करना है और 3 कौन से क्वेश्चन मुझे सबसे पहले करने हैं, वो आपको डिसाइड कर लेना है। इज इट ओके? अब आता है क्वेश्चन, 15 मिनट हो जाते हैं, उसके बाद जब आप पेपर देने बैठते हो, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, भले एमसीक्यू की बात करो, भले ही थियोरिटिकल की बात करो, सबसे पहले जो लास्ट लाइन पूछा होता है क्वेश्चन में, वो बहुत अच्छे से ध्यान देना है आपको। पीजीबीपी का इनकम निकालने बोला है, टोटल इनकम निकालने बोला है, टैक्स कंप्यूट करने बोला है, आईटीसी के बारे में पूछा है, क्या पूछा है सबसे पहले वो देख लो भाई, क्योंकि क्या होता है, पूछा रहता है टैक्स निकालना, आप टोटल इनकम निकाल के आ जाते हो, ऐसा बहुत बार हो जाता है। तो सबसे पहले वो पढ़ना है, चाहे एमसीक्यू में पढ़ो चाहे इसमें पढ़ो, इतना क्लियर है। अभी स्टार्ट, मैं क्या प्रेफरेंस देता था, आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से देखना, सजेशन सुन लो कि सबसे पहले एमसीक्यू स्टार्ट करने का, और जो एमसीक्यूज आते हैं, मतलब लग रहा है कि ये कंसेप्ट आते हैं और कुछ थियोरेटिकल एमसीक्यूज पीछे होते हैं, वो आपको सबसे पहले फटाफट निपटा देना है। जब भी पेपर अपने को देना है, अपने को इस हिसाब से कैलकुलेट करना है, अपने को 100 मार्क्स का अपीयर करना है और अपने पास 180 मिनट्स है। कितने मिनट है? 180 मिनट है 3 घंटे में, और अपने को अपीयर कितना करना है? 100 मार्क्स का अपीयर करना है। इज इट ओके? तो हर 1 मार्क्स के लिए अपने पास 1.8 मिनट है, तो हर 10 मार्क्स अपना 18 मिनट के अंदर, लगभग 20 मिनट के अंदर क्या हो जाना चाहिए? सॉल्व हो जाना चाहिए। ये आपका अप्रोच होना चाहिए। इसमें फ़ायदा क्या देगा? एमसीक्यूज़ फ़ायदा देंगे। एमसीक्यूज़ जो आपके एमसीक्यूज़ फटाफट आ रहे हैं, आपको 10-15 मार्क्स सबसे पहले निकाल लो। पूरे 30 मार्क्स के एमसीक्यू किसको भी नहीं आएंगे, टेंशन की बात नहीं है, अपने को पूरे 30 पे नहीं जाना। सबसे पहले जितने 15-16-18-20 मार्क्स के एमसीक्यूज़ आते हैं, सबसे पहले उनको ही टारगेट करना है। और जितने एमसीक्यूज़ वाले पेपर है, भले ही आईटीएसएम, ईआईएसएसएम हो गया, या फिर अपना टैक्स हो गया, लॉ हो गया, ऑडिट हो गया, इसमें
अगर आप एमसीक्यू में 22 से 25 मार्क्स लेके आ जाते हो और बचा हुआ पेपर अच्छा अच्छा ठीक ठाक भी लिख लेते हो तो आपको एग्जम्पशन आ जाएगा। मैं लिख के देता हूँ, एमसीक्यू के ऊपर सबसे पहले जाना है। अगर ऐसा हो जाए, एमसीक्यू टफ आ जाए, तो आपको क्या करना है, जो पहले वीडियो बनाया था, अगर पेपर टफ आ जाए तो क्या करना है, वो वाला स्ट्रेटेजी आपको क्या करना है, फॉलो करना है। इज इट क्लियर? तो एमसीक्यू समझो आपने 15, 18, 20 मार्क्स के कर लिए। अभी जो नहीं आ रहे वो सॉल्व करने मत बैठो, एक बार एमसीक्यू के ओएमआर शीट को साइड में रखो। एक और डाउट आएगा, सर ओएमआर शीट को पेंसिल से भरना होता है, कहीं कहीं पे पेन से लिखना होता है। सर हमने पेंसिल की जगह पेन से भर दिया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। एटलीस्ट एग्जाम के टाइम पे ये सब चीज़ें पैनिक नहीं लेनी है, कुछ नहीं होगा। जो चेक कर रहा है वो इतना समझता है कि भाई गलती से हो गया है, तो ये सब वो टाइम पे पैनिक मत लेना। ऐसी छोटी मोटी चीज़ें पर रोल नंबर नाम जो भी लिखना होता है एटलीस्ट वो ढंग से लिख देना, और वो पेन का पेंसिल हो गया, ये सब काम चल जाता है। ऐसा करना नहीं है, पर गलती से हो गया तो पैनिक मत लेना वो टाइम पे जब आप पेपर लिख रहे हो, मेरा बोलने का मतलब ये है। चलो ठीक है, अभी आप पेपर लिखना चालू करते हो, कुछ आपके दिमाग में सवाल होंगे, उसके जवाब दे देते हैं। सबसे पहला सवाल, क्या सर हैंडराइटिंग मैटर करता है? हाँ सर, हैंडराइटिंग मैटर करता है, पर उतना ही मैटर करता है जितना आपने लिखा है वो सामने वाला बिना कोई स्ट्रेस के समझ पाता है, मतलब उसको देखता है वो इजीली पढ़ सकता है, बस इतना काफ़ी है। इससे ज़्यादा अपने को कोई कलाकार या वहाँ पे आर्टिस्ट नहीं बनना है, सबसे इम्पोर्टेंट है पेपर पूरा करना। पर इतना भी गंदा मत लिखो कि उसको ढूंढना पड़ता है कि भाई डिक्शनरी जैसा क्या क्या लिखा है, तो वो उसको गुस्सा आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो पहला पॉइंट, हैंडराइटिंग उतना ही ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट, क्या सर सेक्शंस लिखना ज़रूरी है? यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं करने वाला हूँ, मैंने सेक्शन वाइज समरी वगैरह सब दे के रखा था आपको, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अभी आपका नहीं हुआ है तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इतना ध्यान रखना, सेक्शन सही लिखोगे तो बहुत अच्छा है, इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा, आपके पेपर का वजन बढ़ेगा, आगे जब जब वो पेपर बढ़ेगा तो उसको लगेगा कि हाँ भाई नॉलेजेबल बन रहा है। पर गलत सेक्शन कभी भी कोट मत करना, मैं जानबूझ के धीरे बोल रहा हूँ कि गलत सेक्शन जो है वो कभी भी कोट मत करना। अगर गलत सेक्शन कोट कर दिया तो वहाँ से 1-2 मार्क्स वो सीधा काट देगा और इम्प्रेशन बहुत ख़राब पड़ता है। सर सेक्शन नहीं याद, क्या करना है? एज़ पर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 या CGST एक्ट जो भी है वो ऐसे लिख तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। दूसरा पॉइंट सेक्शन वाला क्लियर हो गया, आता है तो लिखो, कन्फ्यूजन है तो भी मत लिखो, कोई तकलीफ की बात नहीं है, सेक्शन से ऐसा कुछ महान काम नहीं होता, बस इंप्रेशन पड़ता है अपना। दो पॉइंट हो गए। अभी थर्ड पॉइंट सर, वो स्केल से क्या प्रॉपर रूलिंग वगैरह करना है प्रेजेंटेशन? स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन तो अच्छे से करो, मैं बोलता हूँ, मेरा सजेशन है, पीछे टाइम का थोड़ा शॉर्टेज है तो चलेगा। स्टार्टिंग के जो 3 क्वेश्चन आपने पिकअप किए हैं जहाँ से आपको मार्क्स अच्छे कमाने हैं, मतलब 30 में से ऐसा लिखना है अपने को कि 25 मार्क्स तो वहाँ से मिल जाए और 15 मार्क्स एमसीक्यू से आ जाएगा, तो 40 यहाँ से ही हो जाएगा, ये स्टार्टिंग के पीरियड में 1-1.5 घंटे में ही अपना हो जाएगा। करेक्ट है, ये अपने को क्या ध्यान रखना है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग के 3-4 क्वेश्चन को अच्छे से स्केल वगैरह से लेके प्रॉपर प्रेजेंट करो, हर चीज़ लिखो, जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है, मतलब वो सब चीज़ें, वर्किंग नोट्स बहुत अच्छे से, बहुत इन डिटेल आपको स्टार्टिंग वाले में लिखने हैं। और एक चीज़ देखी गई है कि जो पीछे वाले क्वेश्चन होते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 7-6, वो कंपेरेटिवली ज़्यादा ईजी होते हैं, हमेशा नहीं बोल सकते पर 60-70% तो ये ट्रेंड होता है। तो ऐसा करो कि स्टार्टिंग पीछे से पढ़ना करो, जो बड़ा वाला क्वेश्चन होता है ना 14 मार्क्स का, पहले ही पेज पे जो इनकम टैक्स का टोटल इनकम निकालना, उस पे ज़्यादा स्टार्टिंग में छेड़छाड़ मत करो, क्योंकि वो लिखने में कहीं गलत हो गया ना तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो जाएगा। जैसे TDS के छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, रिटर्न फाइलिंग के छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, फिर आपके जो पीछे वाले चैप्टर है वहाँ से आते हैं ना, अदर सोर्सेज का कुछ क्वेश्चन आ गया, सेट ऑफ का जो क्वेश्चन आ गया, ये सब पहले से अपीयर करो, ताकि क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ सर 8 मार्क्स अपने कब्जे में आ गए, 6 मार्क्स हो गए, 4 मार्क्स हो गए, 5 मार्क्स हो गए, इट विल हेल्प अलॉट, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और एक बार कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया ना, फिर आप जो नहीं भी आता है वो भी आप मैनेज कर लोगे एग्जाम में। इज इट सिंपल? यस सर। तो अभी तक हम लोग ने क्या किया, मैं यहाँ पे कुछ नोट लिख के बैठा हूँ, अभी जो नेक्स्ट आंसर्स आने वाले हैं थियोरेटिकल क्वेश्चन, खासकर GST में, उसको हमेशा पॉइंटर में लिखना है, 1, 2, 3, 4 की जरूरत नहीं है, बुलेट वाइज पॉइंट लिखो, लाइन छोड़ो, पॉइंट लिखो, लाइन छोड़ो, पॉइंट लिखो, लाइन छोड़ो, आराम से। एग्जामिनेशन फीस भरा है तो एकदम खुल के अपन पेपर लिखेंगे, कहीं पे कुछ अपने को पेपर बचाने का एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट हम एग्जाम वाले दिन नहीं बनने वाले, हम जितना खुला खुला लिख सके, सामने वाले को जितना बेटर दिख सके वो हम काम करेंगे। सर उसके लिए क्या करना है, मस्त राइट साइड में थोड़ा सा मार्जिन बना लो, यहाँ पे लेफ्ट साइड में थोड़ा मार्जिन बना लो, टाइम है तो,
और आराम से खुला 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 लिखो, सामने वाले को भी पढ़ने में मजा आए और आपके भी पेपर भरे। करेक्ट है, ये चीज होती है। ये अभी आप बोलोगे कि मैं यहाँ ये क्या बोल रहा हूँ, पर ये स्टार्टिंग में तो काफी अच्छा आपको प्रेजेंटेशन एटलीस्ट रखना है। फिर बात करें कि जितने मार्क्स का क्वेश्चन आया है आपको उतना ही कंटेंट लिखना है, उससे ज्यादा ज्ञानबाजी नहीं करनी है। वहां पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया है उसको उतना ही चाहिए कि 3-4 लाइन में आपको आंसर दे, आप आंसर उसको दे दो 4-5 लाइन में। जो पॉइंट है, जो मुद्दा है, उसके ऊपर ही आपको रहना है, आपको ज़्यादा भटकना नहीं है उसे। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है उतना ही लिखना है, जो क्वेश्चन सॉल्व करो उसके ऊपर जो थियोरिटिकल पार्ट है उतना लिख दो। सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, जैसे एग्जाम्पल सर 10AA का क्वेश्चन आ गया 4 मार्क्स का, तो वो कैसे अपियर करे? तो देखो, अगर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आया है तो सबसे पहला उसका प्रोविजन आपको जो है वो सबसे पहले स्टेट करना ही पड़ेगा एज पर सेक्शन 10AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कहाँ पे है, मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है या सर्विसेज का काम करती है SEZ में, तो उसको 3 फेज में डिडक्शन मिलता है 100%, 50% और 50% और एक्सपोर्ट रिजर्व वाला। ऐसे करके आपको सबसे पहले प्रोविजन समझाना है, उसके बाद वो प्रोविजन को और क्वेश्चन को मर्ज करना है कि अपने क्वेश्चन में वो प्रोविजन क्या बोलता है, तो उसको आपने क्या किया, इंटरप्रेट कर दिया। उसके बाद आपको सॉल्व कर देना है क्वेश्चन और लास्ट में कंक्लूजन लिख देते हैं। तो बेसिकली उससे एक पेज भी भर जाएगा और जो आपको याद है वो बहुत फटाफट आप लिख लोगे। करेक्ट है, और उसके बाद सॉल्व कर देना, कंक्लूजन लिख देना, तो उसमें से 4 में से 3.5 मार्क्स आपको आराम से मिल जाएंगे। करेक्ट है, मतलब यहाँ पे बोलने का मुद्दा ये था कि अगर आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है टैक्स में, तो उसके लिए भी आपको थियोरी प्रोविजन लिख के समझाना पड़ेगा, पहले बताना पड़ेगा। ये अज्यूम करके नहीं चलना है कि एग्जामिनर को आता है। करेक्ट है। नेक्स्ट एक पॉइंट की बात करें तो सर टेक्निकल वर्ड्स का क्या करना है, टेक्निकल वर्ड्स का क्या करना है? देखो, जो आपको लैंग्वेज सबसे बेटर आता है इंग्लिश में, हिंदी में मत लिखना। जो लैंग्वेज आपको बराबर लगता है उसमें लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो जो मेन मेन कीवर्ड्स होते हैं जो अपन ने क्लास में भी देखे थे, जिसको हाईलाइट किया था, वो आपको क्या करना है वहाँ पे लिखना है और उसको अंडरलाइन कर देना है। सेक्शन नंबर लिख रहे हो उसको अंडरलाइन कर देना है। कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट वर्ड लिख रहे हो उसको क्या कर देना है, अंडरलाइन कर देना है। जैसे अभी 10AA के केस में जो डिडक्शन मिलता है 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, तो एक्सपोर्ट प्रॉफिट को आपको अंडरलाइन कर देना है। अभी एक्सपोर्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है वो नेक्स्ट बता देंगे। इज इट क्लियर? उसके बाद बात करते हैं, पॉइंट वाइज हो गया, मार्क्स हो गए, लैंग्वेज सिंपल रखनी है, टेक्निकल वर्ड्स याद आपको रखने हैं। आपको याद है, कोई टेंशन की बात नहीं। अभी सोचना नहीं है कि क्या याद नहीं है, क्या याद है, अभी आपको सब याद है। अभी मेन बात करते हैं, जो फाइनल क्वेश्चन होता है इनकम टैक्स में, जो पहला क्वेश्चन टोटल इनकम का, वैसे टाइप के क्वेश्चन को कैसे प्रेजेंट करने का सर? तो देखो, सबसे पहले आपको नाम लिख देना है असेसी का, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर वगैरह लिख देना है, रेसिडेंशियल स्टेटस वगैरह दिया है तो लिख दो, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर नीचे लिख देना है आपको कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम या जो टैक्स कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी या PGBP इनकम, जो भी पूछा है फॉर द असेसमेंट ईयर, दिस आपको लिख देना है। फिर सबसे पहला कॉलम पर्टिकुलर होगा, फिर रुपीज़ होगा, फिर आपके 2 होंगे अमाउंट, अमाउंट करेक्ट, पर्टिकुलर नोट्स, अमाउंट और अमाउंट। रुपीज़ की जगह नोट्स आपको लिखने पड़ेंगे कि पहला नोट, दूसरा नोट, तीसरा नोट। करेक्ट है। अभी ये सवाल उठता है कि नोट्स आपके इंस्टीट्यूट के जो आंसर्स रहते हैं मॉड्यूल में, सजेस्टेड आंसर में, उसमें 2 तरीके से नोट्स लिखे होते हैं। एक तो लिखा होता है कि आपका जहाँ पे आपने एडजस्टमेंट सॉल्व किया उसी के नीचे नोट्स लिखा है, और दूसरे में वो लोग क्या करते हैं पूरा सॉल्व कर देते हैं और उसके बाद में फटाफट फटाफट जाके नोट्स लिखते हैं। करेक्ट है, फटाफट तो मैं लिखता था, फटाफट निकल गया, मतलब पीछे नोट्स लिखा हुआ रहता है। तो सर कौन सा अप्रोच सही है? जो आपको सही लगे, दोनों अप्रोच सही है, दोनों में कोई गलती नहीं है, पर जो सेकंड वाला अप्रोच है लास्ट में नोट्स लिखने के, वो ज़्यादा बेटर है। उसका रीज़न क्या है? सबसे पहले आप टैक्स वगैरह फटाफट निकाल लेते हो, आपको टाइम का अंदाज़ा हो जाता है जब तक आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और उसके बाद जब पीछे 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 नोट्स लिखते हो तो आपका बंडल बड़ा बन जाता है। एक तो कि 3 पेज का आंसर हो गया, और कहीं ना कहीं जो चेक कर रहा है वो भी तो ह्यूमन है, वो जब पेपर फटाफट फटाफट चेक करता है तो यहाँ पे उसने आंसर वगैरह के सब मार्क्स दे दिए, पीछे आपके जो वर्किंग नोट्स लिखे हैं, सेक्शन नंबर लिखे हैं, उसका भी तो आपको अलग इंप्रेशन पड़ेगा, उसका आपको अलग बेनिफिट जनरली होता है। करेक्ट है, मेरा खुद का मैंने सजेस्टेड आंसर निकाला था, मेरा हर लेवल पे टैक्स में एग्जम्पशन है, इनडायरेक्ट टैक्स, फाइनल में इंटरनेशनल टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, IPCC टैक्स में हर जगह पे हमें एग्जम्पशन है। करेक्ट है, तो मैंने खुद का अपना फाइनल का निकाला था, तो वो टाइम पे देखा था कि फ़र्क पड़ता है। करेक्ट है, तो आपको ऐसे कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने मोटा मोटी आपको 15 मिनट के आसपास वीडियो हो चुका है, तो अभी आगे मैं नहीं बढ़ूंगा। आपको वीडियो 1.5x 2x अभी तो ख़त्म हो गया, अभी क्या बोल के फ़ायदा। आपने
क्या करना है, अच्छे से अभी पढ़ना है, अभी आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। एग्ज़ाम के बाद आप मैसेज करो, बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, ठीक है।